एक सेकेंड रुक जाओ, एक सेकेंड। मैं देख लूँ जरा। हाँ, अभी ठीक है, अभी मैं देख पा रही हूँ आप सब लोगों को, मैं देख पा रही हूँ। तो आप लोग इस क्लास का लिंक जल्दी से शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट क्लास में आ पाए। जल्दी से आप सब लोग इस क्लास का जो लिंक है वो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो, मैक्सिमम स्टूडेंट क्लास में आ पाए और हम लोग मॉक टेस्ट शुरू कर पाए फटाफट से। ठीक है, चलो। आप लोग मुझे देख पा रहे हो, मेरी आवाज आपको आ रही है सही? एक बार मुझे बता दो, फिर हम लोग शुरू करेंगे आज का सेशन। फटाफट से मुझे बता दो, जल्दी से। आप लोग मुझे देख पा रहे हो, मेरी आवाज आपको क्लियर आ रही है? फिर हम लोग शुरू करेंगे आज का सेशन। आ रही है आवाज क्लियर? हाँ, हेलो दिव्यांश, कैसे हो? क्लियर है ना मेरी आवाज? क्योंकि ओबीएस जो है वहां पर सही काम नहीं कर रहा था, तो मैंने बहुत अच्छा फैसला मुझे लगता है लिया है। क्योंकि अपने सिस्टम पर जब मैं क्लास लेती हूँ ना, तो बिल्कुल परफेक्ट क्लास जो है वो चलती है। तो एनोनिमस गेटिंग वॉइस, सुष्मिता, चलो आ रही है मेरी आवाज। शुरू करें आज का सेशन, क्या आप लोग रेडी हो? फटाफट से बता दो, क्या आप सब लोग रेडी हो? आज का सेशन शुरू किया जाए, जल्दी से बताओ। चलो शुरू करते हैं हम लोग आज का सेशन। आज के सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन डीआई है, बट हम डीआई से शुरू बिल्कुल नहीं करने वाले हैं। हम लोग शुरू करेंगे क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ चुका है, प्रॉफिट एंड लॉस का, आज के सेशन का। फटाफट से इस क्वेश्चन को सबके सब स्टूडेंट सोल्व करेंगे, जल्दी से सोल्व करो इस क्वेश्चन को। चलो राजकुमार जी, बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड। चलो जल्दी से आप सब लोग, पहला क्वेश्चन आप सब लोगों के सामने है, ध्यान से इस क्वेश्चन को सबके सब स्टूडेंट सोल्व करेंगे। ठीक है, आप लोग सेशन का लिंक शेयर कर दिया करो यार, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दिया करो ना सेशन का लिंक। ध्यान से करना क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है, आप सब लोग कर सकते हो, किसी को कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। क्वेश्चन तो पूरा दिख रहा है भाई, क्वेश्चन क्यों नहीं दिख रहा पूरा? मुझे तो फोन में पूरा नजर आ रहा है। एकता जी, आप ध्यान से देखो, आपको क्वेश्चन पूरा नजर आएगा। सही, कुछ भी नहीं कट रहा है यार, फोन में बिल्कुल साफ नजर आ रहा है। इफ बिल्कुल सही है, कुछ यहां पर नहीं है ऐसा जो कट रहा हो। ठीक है, नहीं तो भी सही है। क्या नाम है आपका? एनोनिमस। अगर आप देखोगे तो यहां पर सिर्फ इफ ही लिखा हुआ है, बस यही है, इसके बाद कुछ है ही नहीं, तो साफ नजर आ रहा है क्वेश्चन तो। और ये जो यहां पर लिखा है, ये भी आप लोगों को साफ नजर आ रहा है भाई, ये भी आप लोगों को साफ नजर आ रहा है, इसमें कुछ भी नहीं है। द लिखा हुआ है, प्रॉफिट लिखा हुआ है, द लिखा हुआ है, प्राइस लिखा हुआ है, एक्स -20% लिखा हुआ है। बताओ इसमें क्या प्रॉब्लम है? कोई दिक्कत नहीं है यहां भी, ठीक है, एक्स -20% है बिल्कुल। जल्दी से देखते हैं सबसे पहले कौन करेगा इस क्वेश्चन को सोल्व।
बताओ क्या आंसर आएगा? चलो पढ़े हम लोग इस क्वेश्चन को, बताओ मुझे आप सब लोग पढ़े हम लोग इस क्वेश्चन को, क्या लिखा हुआ है पढ़ो जरा। द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आइटम इज ₹120। एक आइटम का कॉस्ट प्राइस जो है वो ₹120 है, ठीक है, ₹120 है। आगे क्या बोल रहा है, एंड द प्रॉफिट परसेंटेज इज एक्स प्लस 30% ऑफ द कॉस्ट प्राइस। और जो प्रॉफिट है वो एक्स प्लस 30% है कॉस्ट प्राइस का, ठीक है। आगे बोल रहा है इफ द कॉस्ट प्राइस इज इंक्रीज्ड बाय 25%, अगर कॉस्ट प्राइस को 25% बढ़ा दिया जाए, एंड द सेलिंग प्राइस रिमेन्स सेम, और अगर जो सेलिंग प्राइस है वो सेम रहे, द प्रॉफिट परसेंटेज इज एक्स माइनस 20%, तो जो प्रॉफिट परसेंट होगा वो एक्स माइनस 20% होगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, आपको एक्स की वैल्यू बतानी है। चलो बताओ इस क्वेश्चन का क्या आंसर आएगा जल्दी से। कोई बता रहा है? इधर देखो मेरी बात सुनो, प्रॉफिट किस पर होता है? सीपी पर होता है। अरे सिंपल सी बात है, देखो अगर यहां पर प्रॉफिट परसेंटेज सिर्फ 30% लिखा हुआ होता, मान लो, ठीक है, अगर प्रॉफिट परसेंटेज 30% लिखा हुआ होता तो हम लोग कॉस्ट प्राइस, यानी कि अगर 120 कॉस्ट प्राइस है उस पर 30% का प्रॉफिट हो रहा होता तो हम सेलिंग प्राइस क्या लिखते, ₹120 का 130% 100 में ऐड करते। सिंपल सी बात यहां पर है, अगर आपको प्रॉफिट परसेंटेज एक्स प्लस 30% गिवन है, हम लोग इसको 100 में ऐड करेंगे, प्रॉफिट होता है कॉस्ट प्राइस पर, तो आप लोग क्या लिखोगे, इधर देखो मेरी बात सुनो, 120 पर प्रॉफिट हो रहा है एक्स प्लस 30% का, तो सेलिंग प्राइस कितना होगा, 130 प्लस एक्स परसेंट। ध्यान से बताओ क्या ये बात समझ में आ रही है, ये होगा ना सेलिंग प्राइस। नमस्ते। अच्छा और आगे मेरी बात सुनो, कोस्ट प्राइस को 25% बढ़ा दिया गया, कोस्ट प्राइस कितना था पहले 120 है ना, इसको 25% बढ़ा दिया गया तो कितना हो जाएगा, 25% कितना होता है 1/4 है ना, 1/4 बढ़ा दिया तो कितना हो गया 5/4, और तब प्रॉफिट परसेंटेज कितना है एक्स माइनस 20, तो इस 100 यहां पर एड करोगे, जब आप 100 यहां पर एड करोगे तो कितना आ जाएगा 80 प्लस 6, तो यहां पर आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे 80 प्लस एक्स बाय 100, क्योंकि सेलिंग प्राइस ये है, ये भी सेलिंग प्राइस, क्वेश्चन में बोला है बराबर है तो बराबर कर देते हैं। मुझे बताओ कवल जी, जी हेलो जी, बोलो बात समझ में आ गई, सब बोलो। x इज इक्वल टू 70 आ रहा है, आपको x की वैल्यू बतानी है, मुझे लग रहा है आप लोग गलत बता रहे हो, मैं इधर लिख देती हूँ, इधर देख लो भाई, 120 का जब इसको 100 में ऐड करोगे तो 130 प्लस x परसेंट नहीं होगा क्या सेलिंग प्राइस, और जब 25% बढ़ा दिया तो 120 का 5/4, और इतना परसेंट प्रॉफिट तो 80 प्लस x लिखोगे, और बाय में 100 लिखोगे, 100 से 100 इसको कैंसिल कर देते हैं, 120 से 120 कैंसिल, यहां पर 4 से गुना करोगे, देखो 13 चौक 52, 520 प्लस में 4x इज इक्वल टू में 5 से यहां पर गुना करना है तो ये आ जाएगा 400 प्लस 5x। तो अगर मैं आपसे x की वैल्यू पूछूं तो x की वैल्यू तो 120 आ रही है, तुम लोग मुझे क्या आंसर बता रहे हो, गलत बात है। दिव्यांश ने बिल्कुल करेक्ट बताया है, वेरी गुड, एक्स की वैल्यू 70 नहीं आएगी, एक्स की वैल्यू 120 आएगी। तो यही क्वेश्चंस इस तरीके के होते हैं जो हम लोग पेपर में गलत करके आ जाते हैं। बताओ आपको ये समझ में आ गया, फटाफट से बता दो मुझे जल्दी से, 120, वेरी गुड, बिल्कुल करेक्ट आप लोग बोल रहे हो, सही है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चले हम लोग आगे चले, बताओ बताओ जल्दी से आगे चले। यस मैम, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सिंपल इंटरेस्ट का बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आपके सामने है, तो ध्यान से इस क्वेश्चन को सबके सब लोग करेंगे और मुझे आंसर बताएंगे, करो जल्दी से, फिर उसके बाद हम लोग आज के सेशन में DIN कैलकुलेट करने वाले हैं जो कि वाक्य में जबरदस्त होने वाला है, ठीक है। चलो कोई बात नहीं कवल जी, जी कोई बात नहीं। चलो निवेदिता, बहुत बढ़िया बात है, और क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, आपको आंसर बताना है, ठीक है।
फटाफट से पढ़ लो इस क्वेश्चन को और जल्दी से बताओ, सिर्फ 1 मिनट का समय आप लोगों को दे रही हूँ। दिव्यांश, कवलजीत, एनानिमा, निवेदिता, 1 मिनट का समय आप लोगों के पास। कुमार दीपू 3690, वेरी गुड, कुमार दीपू का आंसर आ गया है तो हम लोगों को सोल्व करना चाहिए क्योंकि आसान सा क्वेश्चन है। ध्यान से पढ़ोगे मेरे साथ क्या लिखा हुआ है। सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी इन्वेस्टेड फॉर 5 ईयर 10% पर एनम इज, सिंपल इंटरेस्ट प्रिंसिपल पर लगेगा। 5 सालों की बात है, 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है तो 50% सिंपल इंटरेस्ट आ गया। ये बोल रहा है, ये है क्या है, ये 9/10 तो 9/10 है किसका, कंपाउंड इंटरेस्ट का। कंपाउंड इंटरेस्ट किस पर लगा है, 20,000 पर लगा है 2 सालों के लिए और 5% पर एनम है। आपको सक्सेसिव का फॉर्मूला आता है ना, अगर मैं 5% 2 ईयर के हिसाब से सोल्व करूं तो बोलोगे 5 + 5 + 5 × 5/100 यानी कि 10.25%। बोलो क्लियर। तो इस आप 20,000 पर लगाओगे कितना, 10.25%, पॉइंट को हटा करके 20, परसेंट को हटा करके 20। बोलो वेरी गुड। तो अभी इसको तो आप 1/2 लिख लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। 4 जीरो से 4 जीरो कैंसिल कर दोगे, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। 2 से 5, 5 से इसको काट दो, 5 × 10 ये आ गया खत्म। और यहां पर आप देखोगे तो कितना आ रहा है, 18 × 205 है ना, आपको प्रिंसिपल ही तो निकालना है। तो 18 × 5 = 90, 18 × 2 = 36, 3690। बोलो करेक्ट है ये, जल्दी बताओ मुझे। 3690 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ रहा है। बोलो सबको आ गया समझ में, चले अगले क्वेश्चन की तरफ। 10.25, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है और देखते हैं कितने स्टूडेंट इस क्वेश्चन को कर पाते हैं। बहुत ही शानदार क्वेश्चन ये है, ठीक है, बताओ इसका आंसर क्या होगा। गलती नहीं करनी है किसी को भी, केयरफुली रीड करना है। जल्दी बताओ क्या बोलोगे, क्या बोलोगे, क्या इसका आंसर आ रहा है। एबीसी कैन डू सम वर्क इन 20, 30 और 60 डेज रिस्पेक्टिवली, ठीक है। तो जो काम है वो 1 जनवरी 2019 को स्टार्ट हुआ। ए इज असिस्टेड ओनली बाय बी ऑन एवरी ओड नंबर डेट। ओड नंबर में ए और बी काम करेंगे और ए और सी काम करेंगे इवन नंबर डेट पर। ऑन विच डेट इन जनवरी इज द वर्क फाइनली कंप्लीटेड, जो जनवरी में कौन सी वो डेट होगी जब ये जो काम है ये कंप्लीट हो जाएगा, आपको ये बताना है। तो देखते हैं कितने मेरे स्टूडेंट इस क्वेश्चन को कर पाते हैं, जल्दी करो। January 14, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अरे ये तो आसान है, इधर तो देख लो तुम लोग। ए किसी काम को करता है जी 20 दिन में, ओके जी। बी किसी काम को करता है जी 30 दिन में, ओके जी। सी किसी काम को करता है 60 दिन में, टोटल काम मानोगे तुम कितना, 60। और यहां पर आ जाएगा 3 यहां पर 2 यहां पर 1, फिनिश। 14 January, वेरी गुड। तो आपसे क्या बोला है, आप ध्यान से पढ़ना। ओड नंबर में ए और बी काम करेंगे। शुरुआत कब हुई है, देखो 1 जनवरी से स्टार्ट हुआ है काम, है ना, 1 जनवरी से स्टार्ट हुआ है। ए और बी काम करेंगे 1 जनवरी को, फर्स्ट को। सेकंड क्योंकि इवन है तो इस दिन काम करेंगे ए और सी। तो ए और बी कितना काम कर लेंगे, ए और बी 5 कर लेंगे। ए और सी कितना करेंगे, ए और सी 4 करेंगे। कुल मिलाकर के कितना काम हो पाएगा, 9। वन पेयर में 9 काम हो पाएगा, कितने, मुझे 60 के पास पहुंचना है, कितने पेयर बनाने पड़ेंगे, 6 पेयर। एक पेयर में 2 दिन है, 6 पेयर में 12 दिन होंगे, यानी कि 12 जनवरी तक मैं पहुंच
पहुंच गई और काम कितना हो गया 54, उसके बाद बचा काम 6, सिंपल ठीक है। 12 जनवरी, अब 13 जनवरी आएगी, 6 काम बचा हुआ है, तो 13 जनवरी को ओड डे में कौन काम करेगा मुझे बताओ सुष्मिता, ओड डे में कौन काम करेगा, ए और बी काम करेंगे, कितना 5, तो 6 में से 5 काम हो जाएगा कब, 13 जनवरी को, बाकी बचेगा कितना 1, 1 काम बचेगा, तो इस एक काम को कौन करेगा, इसे काम को कौन करेगा, ए और सी करेंगे कब, 14 जनवरी को। आपको टाइम नहीं बताना है कि कितने किस कितने टाइम लगेगा काम को फिनिश होने में, आपको सिर्फ डेट बतानी है, तो डेट बतानी है तो वो तो आप बिना सोल के भी बता सकते हो, आसान सी बात है। बोलो ये समझ में आ गया, 14th जैन, वेरी गुड वेरी गुड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं, बहुत सुंदर क्वेश्चन आप लोगों के सामने एक बार फिर से आ चुका है, देखते हैं कौन इसको बनाएगा। सबसे पहले ध्यान से बनाओ इस क्वेश्चन को और गलती नहीं करनी है किसी ने भी। चलो क्या आंसर बताओगे इस क्वेश्चन का, ध्यान से पढ़ना और गलती नहीं करना बिल्कुल भी। सिक्स सेवेंटी तो नहीं होगा, देखते हैं क्या आएगा इसका आंसर, ध्यान से करो। क्या लिखा हुआ है, द टैक्सी फेयर इन अ सिटी इज पार्टली फिक्स्ड एंड पार्टली वेरियस अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ किलोमीटर ट्रेवल्ड। ध्यान से पढ़ना, बोल रहा है कि जो टैक्सी फेयर है एक सिटी में वो पार्टली फिक्स्ड है और पार्टली वेरी करता है अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ किलोमीटर ट्रेवल्ड। अच्छा कुछ तो फिक्स है, कितना तो लगेगा ही लगेगा, लेकिन जो कुछ पार्ट है वो नंबर ऑफ किलोमीटर जितने हम जाएंगे उसके साथ वेरी करेगा। ठीक है, 320 किलोमीटर की जर्नी में एक पर्सन को 1200 रुपए भरने पड़े और अनदर जर्नी 360 किलोमीटर की जर्नी में उसे 1320 रुपए भरने पड़े। देन फाइंड द फेयर ऑफ अ जर्नी ऑफ 420 किलोमीटर, 420 किलोमीटर की जर्नी में उसे कितने रुपए भरने पड़ेंगे, जल्दी बताओ। ऑप्शन तो मुझे भी नहीं पता, ऑप्शन जो यहां पर आ रहे हैं वही मैं आपको बता देती हूं। पहला ऑप्शन से 670 SBI PO टारगेट, दूसरा बताया है कुमार दीपू ने 1575, एंड थर्ड आपको मैं दे देती हूँ 690, सेकंड 18754, एंड फिफ्थ ऑप्शन इज नन ऑफ दीस। बताओ, अब बता दो क्या होगा आंसर राहुल, अब बता दो ना इसमें से, बताओ। मैंने तुम्हें ऑप्शन दे दिया, देखो मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। आप लोग अगर पढ़ रहे हो तो आप ध्यान से पढ़ो, कुछ किराया तो फिक्स है और कुछ किलोमीटर के साथ वेरी करेगा। तो बहुत सिंपल सी बात, मान लेते हैं कि जो फिक्स्ड है एक्स रुपीज है सिंपल, और पर किलोमीटर के हिसाब से जो चार्ज हो रहा है वो वाई रुपीज हो रहा है। ठीक है, देखो आप सब लोग, पहले फिक्स हम लोग मान लेते हैं एक्स रुपीज पर किलोमीटर के हिसाब से जो चार्ज हो रहा है वो वाई, सिंपल है जी। 30 किलोमीटर की जर्नी तो एक्स रुपए तो लगेंगे ही लगेंगे, अगर 1 किलोमीटर का वाई है तो 320 किलोमीटर का कितना होगा 320 वाई, और वो किसके बराबर होगा जी 1200 के, सिंपल। उसके बाद अगर 360 किलोमीटर की जर्नी चलेगी तो एक्स तो लगेगा ही लगेगा 360 वाई लगेगा, और कुल मिलाकर के कितना लगेगा 1320। तो यहां से आपको फिक्स भी पता चल जाएगा, पर किलोमीटर भी पता चल जाएगा। निवेदिता राहुल ध्यान से बताओ क्या करें हम, माइनस 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 उसको हम लोग कैंसिल कर देते हैं, यहां आ जाएगा 40y और यहां पर आ जाएगा 120। ठीक है, तो y की वैल्यू अगर आप देखोगे तो कितनी आ रही है 3, जल्दी बताओ ये बात करेक्ट है, y की वैल्यू 3, पर किलोमीटर 3 रुपए लगेंगे, और अगर आप यहां पर पुट करोगे तो आपको फिक्स्ड भी पता चल जाएगा, आपको फिक्स भी पता चल जाएगा। चलो जल्दी से मुझे बताओ y की वैल्यू पुट करोगे तो कितना आएगा, 0 3 2 6 3 3 9, 1200 में से 960 माइनस करो 40,
ये आ जाएगा 240, x की वैल्यू आ रही है 240। खत्म हो गया हमारा काम। आपको क्या बताना है, अगर 420 किलोमीटर की जर्नी हो तो कितना समय लगेगा, कितना फेयर लगेगा। तो बोलोगे मैम 240 तो लगना ही लगना है, 420 इंटू 3 करेंगे। करेक्ट है, बोलो 0 3 दुनी 6 4 3 12, 1260 प्लस 240, 0 10, ये तो 1500 आ रहा है भाई। नन ऑफ दिस इज क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बनेगा, इसका सही आंसर होगा 1500 रुपए। शानदार क्वेश्चन है, मुझे बताओ क्या मैं इस क्वेश्चन को रिपीट करूं जल्दी से। 1520 दिव्यांश 3 आंसर तो नहीं बताया भाई तुम लोगों ने, जरा मुझे बताओ क्या मैं रिपीट करूं। 1500 होगा इसका करेक्ट आंसर, आप सब बता रहे हैं, वेरी गुड। पंद्रह सो क्लियर, वेरी गुड। एसबीआई पीओ टारगेट, कुमार दीपू, कवल, जीत, एकता, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। चले अगले क्वेश्चन की तरफ, क्या आप लोग रेडी हो? रेडी हो तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने एक और बहुत ही शानदार क्वेश्चन आ चुका है, देखते हैं इस क्वेश्चन को कितने स्टूडेंट सोल्व कर पाते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया। चलो सुष्मिता जी, वेरी गुड। गुड इवनिंग लक्ष्मण, गुड इवनिंग। मैं अच्छी हूं लक्ष्मण जी, आप कैसे हो? ध्यान से, ध्यान से, गलती नहीं, बिल्कुल भी गलती नहीं करनी। एकता ने आंसर बताया है 4, वेरी गुड। मुझे लग रहा है एकता का आंसर बिल्कुल करेक्ट है और ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ोगे तो ही समझ में आएगा। क्या लिखा हुआ है, देर आर 3 सेक्शंस नेमली ए बी एंड सी इन द क्लास ऑफ 10th स्टैंडर्ड इन अ पार्टिकुलर स्कूल। 3 सेक्शन है 10th स्टैंडर्ड के, ए बी एंड सी किसी पार्टिकुलर स्कूल में। आगे बोल रहा है द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट स्टडिंग 10th स्टैंडर्ड इज 26, जो 10th स्टैंडर्ड में पढ़ रहे हैं वो टोटल 26 लोग हैं, ठीक है। द रेशियो बॉयज टू गर्ल इन ऑल द सेक्शन इज 3:2, 2:1, 4:3 रिस्पेक्टिवली। तो पहले यहां तक हम लोग लिख लें, बोलो 4 आ रहा है, वेरी गुड। अच्छा मेरी बात सुनो, टोटल 10th स्टैंडर्ड में 26 स्टूडेंट है, छोड़ दो, 3 सेक्शन है। अच्छा जी, कौन कौन से सेक्शन है, ए है, बी है एंड सी है। तो यहां पर आपको रेशियो गिवन है किसकी, बॉयज और गर्ल्स की। क्या रेशियो गिवन है, 3:2। यहां पर अगर मैं आपसे बोलू तो बॉयज और गर्ल्स की क्या रेशियो गिवन है, 2:1। यहां पर बॉयज और गर्ल्स की क्या रेशियो गिवन है, 4:3। बहुत सुंदर कंडीशन इसने दे दी, इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स स्टडिंग इन द सेक्शन बी एंड सी बी इक्वल, अगर नंबर ऑफ गर्ल्स बराबर है तो यहां पर 1 यूनिट, यहां पर 3 यूनिट बराबर कर देते हैं, यहां 3 से गुना, यहां 3 से गुना, फिनिश। अगर बॉयज 6x तो गर्ल्स यहां पर 3x, यहां पर 4x तो यहां पर 3x। बोलो आपको ये बात समझ में आती है क्या, मुझे बताओ। और अगर मैं क्योंकि ये तो गर्ल्स यहां पर बराबर हो गई ना, तो अगर यहां 3x है तो यहां 3x, तो इस हिसाब से तो बॉयज यहां पर 4x और बॉयज यहां पर 6x। यहां पर क्या करोगे, यहां पर बोलोगे कि अगर बॉयज 3y है तो गर्ल्स 2y होंगी। आपको सबका सम गिवन है, कितना गिवन है, 26, तो सबका सम कर दो। अगर आप इन सबको एड करोगे तो कितना आएगा, 6 और 4 10, 3 और 3 6, तो ये आ जाएगा 5y प्लस
सिक्सटीन एक्स इज इक्वल टू 26 फिनिश। अब है मेन काम। बहुत सारे स्टूडेंट इस क्वेश्चन का आंसर पेपर में लिख करके आते हैं सी एंड डी, लेकिन आप एक्स और वाई की वैल्यू देख करके नहीं सोच सकते। अरे ये तो देखने से ही पता चल रहा है जी, वाई की वैल्यू 2 पुट की जाए, एक्स की वैल्यू 1। वाई की वैल्यू 2 तो 5 × 2 = 10 प्लस 16 = 26। तो आप बोलोगे मैम एक्स की वैल्यू 1 एंड वाई की वैल्यू 2। बोलो बात समझ में आ गई, जल्दी से मुझे बताओ। x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 2। आपको क्या बताना है? फाइंड द नंबर ऑफ गर्ल्स स्टडी इन सेक्शन ए। आपको सेक्शन ए में गर्ल्स बतानी है, तो गर्ल्स यानी कि 2y, तो 2 × 2 यानी कि कितना जाएगा 4। तो एकता ने बिल्कुल करेक्ट आंसर बताया था 4। चार इस क्वेश्चन का बिल्कुल 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 सही उत्तर है। इस तरीके के क्वेश्चन आपको क्लर्क मेंस में 101% देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? चलो जी, बहुत बढ़िया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने देखते हैं, सीरीज को कंसोल कर पाता है, पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, और देखते हैं कितने स्टूडेंट इसको कर पाएंगे। ध्यान से करना और गलती नहीं करना। चलो बहुत अच्छी बात है महादेव जी, आपको समझ में आ गया। इससे अच्छी बात क्या हो सकती है मुझे बताओ। ध्यान से, गिवन बिलो इज द सीक्वेंस ऑफ द सीरीज, एनालाइज द पैटर्न ऑफ द सीरीज एंड आंसर द गिवन क्वेश्चन। आपको क्वेश्चन मार्क के प्लेस पर बताना है क्या आएगा। 153, वेरी गुड। अच्छा मुझे इस सीरीज का पैटर्न बताओ ना, क्या पैटर्न आप लोगों को आया है समझ में, कोई मुझे बता सकता है? नंबर में गैप काफी ज्यादा है, कैसे पता चला? 129, 651 गुना किया हुआ है, किससे गुना करे बोलो? 5 से बोलोगे, 4 से बोलोगे, 3 से बोलोगे, 2 से बोलोगे, 1 से। 1 × 1 = 1 प्लस 2, 3 × 2 = 6 प्लस 3, 9 × 3 = 27 प्लस 4। क्लियर हो गया? यूनिट प्लेस से मैच कर लो, 4, 5 और 4, 9 यूनिट प्लेस से मैच करो, प्लस 6, 9, 5, 45, 4, 5, 11, 1 लॉजिक मुझे समझ में आ चुका है, लॉजिक मुझे समझ में आ चुका है। तो पहला नंबर 2, अगला नंबर 2 × 1 + 2 दैट इज 4, 4 × 2 = 8 + 3 = 11, 2 × 3 = 33 + 4, 4 × 3 = 37, 37 × 4 + 5 यहां पर बताओ ना जरा मुझे कितना आएगा। यहां आ जाएगा 4, यहां आ जाएगा 11, यहां 37। तो मुझे पहुंचना है यहां तक, मुझे बताओ यहां पर क्या आएगा जब आप इंटू 4 + 5 करोगे, कोई बता सकता है? 28 का 8 कैरी 2, 12 और 2 = 14, 5 ऐड करेंगे 153। गलती करके आ जाओगे पेपर में। इंटू 5 + 6 करेंगे 5 × 15 = 5, 15 × 5 = 75 और 1 = 76 प्लस करेंगे 6 = 11 और यहां पर आ जाएगा 771 होगा इसका आंसर, डी ऑप्शन। डी ऑप्शन, वेरी गुड। जिन स्टूडेंट्स ने बताया है बहुत ही बढ़िया बात है, और मुझे लगता है आप लोगों को इस समझ में आ गया होगा। शानदार क्वेश्चन, एक और आपके सामने नंबर सीरीज, देखते हैं कितने मेरे स्टूडेंट इस क्वेश्चन को कर पाते हैं। ध्यान से करना और गलती नहीं करना बिल्कुल भी, ठीक है? आपको इसमें रोंग नंबर बताना है, ठीक है? आपको इसमें रोंग नंबर बताना है, फाइंड रोंग नंबर, गलत संख्या आपको बतानी है। जल्दी से सेशन को लाइक जरूर कर दो आप सब लोग, सेशन को लाइक करना है। अगर आपको बेनिफिट हो रहा है, आपको समझ में आ रहा है, तो लाइक करना मत भूलिए।
ध्यान से करो, गलती नहीं करनी। चलो बहुत अच्छी बात है, लाइक कर दिया है, तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है मुझे बताओ। इससे तो अच्छी बात नहीं हो सकती। एकता, ए ऑप्शन, फोर गलत है। ओके, लक्ष्मण 4 6 6 5 6 से लक्ष्मण बोल रहा है, तो मेरी बात तो सुनो, तुम लोग मेरी बात ही नहीं सुनते हो। इधर देखो, पहले जब आप इन नंबर्स को देख रहे हो, ये क्या है? 4 2 की पावर 2। ये क्या है? ये क्या है? 2 5 6, 3 1 2 5, 4 6 6 5 6 काफी ज्यादा यहां पर नंबर है, तो हमें कुछ सोचना पड़ेगा। ये 4 की पावर कितनी है मुझे बताओ? ये 4 की पावर कितनी है? चलो कोई बात नहीं, ये 2 की पावर 2 है, ये तो मुझे भी नहीं पता चल रहा। ये 5 की पावर 2 यहाँ पर समझ में आ रहा है, बट अगर हम लोगों ने बनाना है, क्योंकि ये मुझे 5 की पावर में लग रहा है, ये मुझे 6 की पावर में लग रहा है, ये मुझे 7 की पावर में लग रहा है, तो यहाँ पर तो 2 का 2 का स्क्वायर हो रहा है 5 का स्क्वायर। 4 की पावर अगर मैं देखूं यहाँ पर, तो 4 का क्यूब होता है 64, 4 की पावर 4। अगर मैं यहाँ पर देखूं तो 5 की पावर 5 आई थिंक हो रहा है, 125 × 25, 5 की पावर 5। यहाँ पर देखो तो मैं 6 की पावर 6 हो रहा है, यहाँ पर देखो तो 7 की पावर 7 होना चाहिए। यूनिट प्लेस से आप मैच कर सकते हो, आपको गुना करने की जरूरत नहीं है, 3 आएगा ना यूनिट प्लेस पर, 3 आएगा, तो यहाँ पर क्या आना चाहिए? 2 की पावर 2। यहाँ पर 3 की पावर 3 आना चाहिए, तो यहाँ पर 25 के प्लेस पर क्या आना चाहिए? 27। तो इसका मतलब गलत संख्या कौन सी होगी? सी ऑप्शन, 25। गलत 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 गलत। 4 क्यों गलत है जी? 4 तो ठीक है जी, 4 में तो कोई गलती नहीं है, समझ में आ रहा है मेरे सारे स्टूडेंट्स को। 2 की पावर 2, 3 की पावर 3 होगा यहाँ पर, तो 3 की पावर 3 27, 4 की पावर 4 5 की पावर 5, 6 की पावर 6 7 की पावर 7। फिनिश। 5 क्यूब क्यों होना चाहिए? जो भी नंबर है उसकी उतनी ही पावर है, तो 3 की पावर 3 आना चाहिए था, तो यहाँ पर 27 आना चाहिए था। बोलो निवेदिता, कवलजीत कुमार, दिव्यांश, शुभम, क्लियर? आ जाओ, अब हम चलते हैं मेंस के असली क्वेश्चंस की तरफ, और मेंस का जो कैसलेट है वो आपके सामने है। आप इस क्वेश्चन को करने के लिए मैं आपको मिनट दे रही हूँ, 3 मिनट का समय आप सब लोगों के पास, आपको पता है अगर आप मेंस का पेपर दे रहे हो तो आपको कैसलेट एनडीआई का सामना बहादुरी से करना पड़ेगा, और वो हम तभी कर सकते हैं जब हम लोग रेगुलरली इसकी प्रैक्टिस करें, और ज्यादा से ज्यादा इन्हीं की प्रैक्टिस करें, ठीक है? तो आपको मैं समय दे रही हूँ, 3 मिनट का समय आप लोगों के पास, ध्यान से इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। 3 मिनट आप सब लोगों के पास। महादेव, स्केड्यूल मेरी क्लास का एवरीडे 6 PM to 8 PM, 6 बजे से 8 बजे तक मेरी क्लास मेंस की लगती है, ठीक है? 6 PM to 7:30 आप ले लो, 7:30 बजे तक मेंस की क्लास लगती है, और उसके बाद 9 PM पर बैंकिंग फाउंडेशन, जो कि कल से ही मैंने स्टार्ट किया है, 9 बजे बैंकिंग फाउंडेशन, जिसमें चैप्टर मैंने शुरू किया है टाइम एंड डिस्टेंस, आज टाइम एंड डिस्टेंस की सेकेंड क्लास है, ठीक है? आज टाइम एंड डिस्टेंस की सेकेंड क्लास है, तो आप लोग आ सकते हो क्लास में अगर आपको समझ में आता है तो। जल्दी जल्दी जो पढ़ते हो वो लिखते जाओ एज इट इज, घबराना नहीं है, गलती नहीं करनी बिल्कुल भी।
चलो ध्यान से करोगे क्वेश्चन को, फटाफट से पढ़ते जाओ। टोटल कितने एम्प्लॉयज गिवन है? 2400 एम्प्लॉयज है ना, टोटल 2400 एम्प्लॉयज हैं। फाइव डिपार्टमेंट्स में इसको बांटना है, एचआर, सेल्स, आईटी, फाइनेंस एंड मार्केटिंग। तो इतना तो यूज का ही नहीं है, यहां से तो सिर्फ आपको यही लेना है कि 2400 एम्प्लॉयज है टोटल। हेलो सिग्नेल जी, कैसे हो? एग्जाम क्लियर हुआ है कि नहीं कोई आपका? बताओ। डन, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। डन डन डन, वेरी गुड। चलो आ जाओ मैं आपको समझाती हूँ। देखो मुझे एक बात बताओ, एक एक लाइन पढ़ते जाएंगे और वैसे ही हम लोग लिखते जाएंगे, इसमें तो कोई हम लोगों को डरने की जरूरत है नहीं। RRBPO, वेरी गुड। देखो क्या बोल रहा है, 2400 एम्प्लॉयज इन कंपनी ए विच हैज फाइव डिफरेंट डिपार्टमेंट, HR, सेल्स, IT, फाइनेंस एंड मार्केटिंग। आगे बोल रहा है 25% ऑफ टोटल एम्प्लॉयज वर्क इन सेल्स डिपार्टमेंट। सेल्स डिपार्टमेंट जो है उसमें 25%, तो टोटल एम्प्लॉयज 2400 है, 25% 1/4, तो सेल्स डिपार्टमेंट में 600 काम करेंगे। ठीक है चलो अभी देखते हैं, अभी देखते हैं एनोनिमस। आगे क्या बोल रहा है, 20% ऑफ द एम्प्लॉयज वर्किंग इन मार्केटिंग डिपार्टमेंट, जितने भी एम्प्लॉयज है उसका 20% मार्केटिंग डिपार्टमेंट में, तो 20% यानी कि 480 मार्केटिंग डिपार्टमेंट में 480। आगे क्या बोल रहा है, एंड नंबर ऑफ आईटी डिपार्टमेंट एम्प्लॉयज 240, आईटी डिपार्टमेंट एम्प्लॉयज 240 हैं। अच्छा आगे क्या बोल रहा है, नंबर ऑफ मेल्स एम्प्लॉयज वर्किंग इन फाइनेंस डिपार्टमेंट, मेल्स एम्प्लॉयज वर्किंग इन फाइनेंस डिपार्टमेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉय वर्किंग इन एचआर डिपार्टमेंट। तो ये और ये बराबर, अगर ये एक्स है तो ये भी एक्स होगा, ऐसा बोला हुआ है क्वेश्चन में, है ना। अगर ये एक्स है तो ये भी एक्स है। आगे क्या बोल रहा है, आगे पढ़ो, रेशियो ऑफ नंबर ऑफ एम्प्लॉयज फ्रॉम फाइनेंस टू आईटी डिपार्टमेंट इज 2:1। रेशियो ऑफ नंबर ऑफ एम्प्लॉयज, अच्छा फ्रॉम नहीं, फोर आएगा यहां पर, रेशियो ऑफ नंबर ऑफ एम्प्लॉयज फॉर फाइनेंस टू आईटी डिपार्टमेंट। आपको फाइनेंस और आईटी डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज का रेशियो गिवन है, कितना गिवन है, 2:1। आपको आईटी डिपार्टमेंट का तो पता है ना 240, तो 1 की वैल्यू 240 हो जाएगी, 2 की वैल्यू 480, तो आपको फाइनेंस के पता चल गए 480। क्लियर। आगे देखो, आगे क्या बोल रहा है, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मेल्स टू फीमेल एम्प्लॉयज 5:3, मेल्स टू फीमेल एम्प्लॉयज 5:3। अच्छा ये आपको टोटल बता रहा है, टोटल 2400 यहाँ पर एम्प्लॉयज हैं, जिसमें आपको मेल और फीमेल की रेशियो बता दी 5:3, तो आप टोटल मेल भी पता कर सकते हो और फीमेल भी। 5 और 3 8 की वैल्यू 2400, 1 की वैल्यू 300, तो 5 को 300 से गुना करेंगे तो 1500 आ जाएगा, और यहाँ पर 900, तो मेल कितने हो जाएंगे टोटल 1500 और फीमेल कितनी हो जाएंगी 900। ये सबको आ रहा है समझ में। आगे देखो, नमस्ते एनी, आगे बोल रहा है, द नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉयज इन आई टी डिपार्टमेंट इज इक्वल टू 30% ऑफ एम्प्लॉयज द नंबर ऑफ मेल्स एम्प्लॉयज इन आई टी डिपार्टमेंट। इसकी बात कर रहा है, ये किसके बराबर है, इज इक्वल टू 30% ऑफ द एम्प्लॉयज हु वर्क इन फाइनेंस डिपार्टमेंट, जितने फाइनेंस डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं उसका 30%। तो 480 का 30% तो 48 × 3 होगा ना, कितना आएगा, 8 × 24 = 4, कैरी 2 × 4 = 12 और 2 = 14, 144। मुझे बताओ आप सब लोगों का यही आया है,
मैं अच्छी हूँ। ध्यान से बताओ दिव्यांश और जितने भी लोग यहाँ पर प्रेजेंट है, 144 आगे क्या बोल रहा है, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मेल टू फीमेल एम्प्लॉयज वर्किंग इन सेल्स डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट में मेल और फीमेल की रेशियो 7:3। तो आप 7 और 3 10 की वैल्यू 600, 1 की वैल्यू 60, 7×6 42, 420, यहाँ पर 180 फिनिश। आगे क्या बोल रहा है, एंड रेशियो ऑफ नंबर ऑफ फीमेल टू मेल एम्प्लॉय इन मार्केटिंग, तो मार्केटिंग में यहाँ पर अगर 240 तो यहां भी 240 फिनिश। ईसी जीसीपीओ ये तो मुझे नहीं पता है, आप जो धनंजय मेरे से पूछ रहे हो ये चीज आपको चेक करनी चाहिए, ये चीज मुझे नहीं पता। ठीक है, 144 वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। और अब आप आ जाओ, बाकी सारी वैल्यूज निकालनी पड़ेंगी है ना, ये तो हम लोगों ने कर लिया सोल, अब हम लोग बाकी सारी वैल्यूज निकालते हैं। चलो सब लोग मुझे बताओ एचआर में टोटल कितने एम्प्लॉयज है, जल्दी से बताओ। टोटल एम्प्लॉयज 2400 है ना, आपको बाकी सबके पता है ना, सेल्स के, आईटी के, फाइनेंस के और मार्केटिंग, इनका सम करके आप 2400 में से माइनस करोगे आपको एचआर के पता चल जाएगा। तो जल्दी से मुझे बताओ एचआर में कितने हैं, फटाफट से बता दो जल्दी से। आप देखो यहां पर कितना आ जाएगा, 960 तो यहां पर आ जाएगा, 1000, 1200, 1800 आ गया, तो ये आ जाएगा एचआर में 600 है, 600 है, वेरी गुड वेरी गुड, 600 यहाँ पर आ गया। अच्छा अब देखो आपको टोटल मेल्स पता है ना, आपको टोटल मेल्स पता है 1500, तो आप जब इनका सम करोगे तो आपको एक्स की वैल्यू पता चल जाएगी। इनका सम कितना आ रहा है कोई मुझे बता दो यार, सम कितना आ रहा है ताकि मैं लिख दू, 420 प्लस 144 प्लस 240, ये आ रहा है 06 और ये आ रहा है 660 है ना, एक तो आ रहा है 660 में हम ऐड कर देते हैं 144, कितना आएगा, 4×6 और 4×10 804, ये आ रहा है क्या, 804 प्लस 2x इज इक्वल टू 1500, करेक्ट है। x की वैल्यू जल्दी से मुझे बताओ कितनी आ रही है, x की वैल्यू कितनी आ रही है, 348, वेरी गुड, तो x की वैल्यू आ गई 348, तो यहां पर भी आ गया 348, और अगर ये आ गया 600 में से 348 माइनस करो कितना आ जाएगा जल्दी से मुझे बताओ, 152, और अगर आप 240 में से 144 यहां पर माइनस करोगे 96, 480 में से 348 माइनस करोगे तो यहां आ रहा है 132। देखो आप लोगों ने सबका सोल्व कर लिया, आपको हर एक डिपार्टमेंट का मेल भी पता है, हर एक डिपार्टमेंट का फीमेल भी पता है। अगर मैं क्लर्क मेंस की बात करूं तो आप लोगों को इस तरीके का कैसलेट देखने को मिलेगा, एग्जैक्ट यही लेवल होगा कैसलेट का, ठीक है, करेक्ट है। चलो वेरी गुड वेरी गुड, देख लेना यहाँ पर हम 252, अच्छा यहाँ पर 252 आएगा भाई, 252 आएगा, करेक्ट। कैसलेट जब हम लोगों ने एक बार सोल्व कर लिया तो इसके जो क्वेश्चंस है वो भी सोल्व हो जाएंगे। तो मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन करा देती हूँ कैसलेट को, उसके बाद के सारे क्वेश्चंस आप लोग बड़े आराम से कर सकते हो। क्वेश्चन आपके सामने देखते हैं, सबसे पहले आंसर कौन बताएगा, पहला क्वेश्चन आपके सामने कैसलेट का, ध्यान से करोगे इस क्वेश्चन को, बिल्कुल 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 निवेदिता जी मैंने ठीक कर लिया है, कोई दिक्कत की बात इसमें नहीं है, टेंशन आपको नहीं लेनी है, ठीक है। इसका आंसर बताओ, और मुझे पता है ज्यादातर स्टूडेंट ना इसका आंसर गलत करेंगे, मेरे बोलने के बाद भी तुम लोग आंसर गलत करोगे, देख लेना। 6, वेरी गुड, मैंने बोला है ना तुम लोग गलत करोगे। सिक्स आ रहा है, एकता 4, गलत 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 गलत, पहले तुम लोगों ने क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लो, तुम लोगों को मैं क्वेश्चन पहले पढ़वा देती हूँ, फाइंड क्या करना है इसको मैं बाद में पढ़ूंगी, जो आपको इन्फॉर्मेशन गिवन है इसको पढ़ो। देन व्हाट इज द डिफरेंस, व्हाट इज द डिफरेंस द टोटल नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल एम्प्लॉयज इन एचआर एंड मार्केटिंग डिपार्टमेंट टूगेदर, ध्यान से देखना आपसे क्या बोल रहा है, डिफरेंस क्या होगा किसमें, टोटल नंबर ऑफ मेल
टोटल नंबर ऑफ मेल इन एचआर एंड मार्केटिंग डिपार्टमेंट टुगेदर. तो एचआर और मार्केटिंग के आपको क्या लेने हैं, आपको मेल लेने हैं. अच्छा, और इसके बाद टोटल नंबर ऑफ फीमेल इन एचआर एंड मार्केटिंग, आपको क्या लेनी है, फीमेल लेनी है. अच्छा जी, फिर इनका डिफरेंस बताना है, ये क्वेश्चन है. और तुम लोग पता है क्या करोगे, मैं बताती हूँ, तुम लोग पता है क्या करोगे, तुम लोग मेल्स और फीमेल्स ले लोगे एचआर में और मेल्स और फीमेल ले लोगे मार्केटिंग में, जिससे क्वेश्चन पूरा पूरा गलत हो जाएगा. ध्यान से पढ़ना होता है क्वेश्चन को. What is the difference between total number of males in HR and marketing department together? What is the difference and the total number of female employees in HR and marketing department together? तो HR और marketing के male देखते हैं, HR और marketing के female देखते हैं. HR के देखते हैं हम लोग male कितने हैं, 348 और 240. इधर देखो आप क्या लिखोगे यहाँ पर, इधर देखो आप लिखोगे 3. हाँ, अब कैसे तुम लोग सही कर रहे हो, 348 प्लस 240, एक तो ये लिखोगे. और अगर मैं एचआर और मार्केटिंग की फीमेल देखूं तो कितनी लिखोगे, 252 और यहाँ पर 240, 252 एंड 240. ध्यान से देखो, 252 एंड 240 करेक्ट है. तो यही है ना, एक बार देख लो, हम लोगों ने कोई गलती तो नहीं कर दी है, कोई गलती तो नहीं कर दी है, देख लेना हम लोगों ने करेक्ट लिखा है ना. बिल्कुल, एचआर और मार्केटिंग के मेल देखना था, एचआर के मेल 348, मार्केटिंग के 240, एचआर और मार्केटिंग की फीमेल 252 प्लस 240, करेक्ट है ना. तो अब आपको इसका डिफरेंस देखना है, तो डिफरेंस आप लोग देख सकते हो, सही है. 18 इसका आंसर आ रहा है, तो ये तो हम लोग कैंसिल कर देते हैं. 6 देखना एक बार, मैंने कुछ यहां पर सही नहीं लिखा है क्या, मैंने यहां पर कुछ सही नहीं लिखा है. 252 प्लस 180 होगा, एक सेकेंड रुक जाओ. वन एट्टी क्यों होगा भाई, यहां पर एचआर और मार्केटिंग की बात हो रही है ना, तो एचआर में और मार्केटिंग में मेल्स देखूं तो 348 प्लस 240, 252 प्लस 240 मेल, 1. अच्छा एक सेकेंड, एक सेकेंड, मैंने क्वेश्चन ठीक है, मैं जो आप लोगों को समझा रही थी ना, जो मैं आप लोगों को यहां से यहां तक समझा रही थी, मैंने वही ले लिया. तो हम लोग एक बार पढ़ लेते हैं, क्योंकि मैंने आपको क्वेश्चन समझा दिया है, मैंने ऊपर वाला तो ध्यान ही नहीं दिया यार क्या लिखा हुआ है. चलो आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ. बोल रहा है हाफ ऑफ द मेल एम्प्लॉयज इन एचआर डिपार्टमेंट रिजाइन देयर जॉब. अच्छा, हाफ मेल ने रिजाइन कर दिया, ठीक है. एंड 25% ऑफ फीमेल एम्प्लॉयज इन मार्केटिंग डिपार्टमेंट इज रिजाइन देयर. अब तो तुम कर लोगे, अब तो कर लोगे, मुझे पक्का पता है. 348 मेल थे, हाफ ने रिजाइन कर दिया, तो बचे कितने, 348 का हाफ हमें करना पड़ेगा, तो ये आ रहा है 174. बिल्कुल करेक्ट आप लोगों ने बताया, 174 प्लस 240 होगा और 240 होगा एंड मेल इसके तो 240 ही होंगे, है ना. और अगर मैं फीमेल की बात करूं तो रिजाइन दिया है 25% फीमेल ने, तो आप कर सकते हो. मार्केटिंग में जितनी भी फीमेल होंगी 240 उसका 25% 1/4, यानी कि 60 ने रिजाइन दे दिया, तो 180 यहां पर बचा है ना, तो 180 यहां पर आ जाएगा. बिल्कुल करेक्ट आप लोगों ने अभी बिल्कुल सही यहां पर कर दिया, यहां आ जाएगा 252 और 180, करेक्ट है. तो ये क्लियर है आप सब लोगों को, जल्दी बताओ. 174 बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट, क्योंकि मैंने ही ऊपर वाली स्टेटमेंट आप लोगों के लिए मैं पढ़ना भूल गई थी, मैं आपको क्वेश्चन समझाने लगी और एज इट इज वही रीड करके मैंने लिख दिया. ऊपर वाला मैंने नहीं पढ़ा, आप लोगों ने पढ़ लिया, आप लोग इसको आराम से कर सकते हो, इसमें किसी को किसी तरीके की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. करेक्ट है, ओके चले आगे. चलो मुझे बताओ अब जल्दी से, जल्दी मुझे बताओ, चले आगे, क्लियर. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं, और एक बहुत शानदार क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है. डीआई का क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन ये है, तो देखते हैं कितने लोग इसको समझ पाते हैं और कितने लोग इसको कर पाते हैं.
गलती नहीं, गलती नहीं, ध्यान से। हाँ कुछ नहीं है। क्या नाम है तुम्हारा? दिव्यांश। यार तुम ना बड़ा मेरे को परेशान करते हो। कुछ नहीं है, ये देयर है। देयर नहीं पता चल रहा तुम्हें? ये देयर है, देयर आर ट्रेवलिंग। समझ में नहीं आ रहा देखने पर? बिलो, बिलो यहां पर लिखा है और यहां पर टोटल लिखा है, सिंपल। जो कट रहा है वो मैं यहां लिख रही हूं, ठीक है? ठीक है, अब तो ठीक है। गलती नहीं, गलती नहीं। शानदार क्वेश्चन है, कमाल का क्वेश्चन आपके सामने है। ये 120 है, नजर नहीं आ रहा तो मैं लिख दे रही हूँ। ये 48 है जी, ये 54 है जी, ये 72 है जी, ये 66 है। आपको जो डेटा गिवन है वो आपको गिवन है जी डिग्री में, डिग्री में आपको गिवन है, तो ध्यान से करना इसको। फटाफट बताओ मुझे आंसर इसका क्या आएगा और किस तरीके से। देखो आपको जो नोट गिवन होता है ना उसको ध्यान से पढ़ा करो। क्या लिखा हुआ है? रेशियो पर मेल पैसेंजर फेयर टू पर फीमेल पैसेंजर फेयर इज सेम फॉर द बसेस विच इज इक्वल टू 5:3। तो इसको पढ़ लेना। एक मेल पैसेंजर के एक जैसे यहाँ पर 5 बसेस गिवन है ना आपको, ABCDE। अगर एक मेल पैसेंजर के 5 रुपए लग रहे हैं ना, तो एक फीमेल पैसेंजर के 3 रुपए लग रहे हैं, ये आपको पता है। सम ऑफ पाई चार्ट इज इक्वल टू 1260 पैसेंजर। टोटल पैसेंजर आपको गिवन है 1260। तो क्वेश्चन सबने उन लोगों ने पढ़ लिया होगा। ऊपर वाली तो बातें जो है वो मैंने आपको बता ही दी है। और बताओ यार इसका आंसर क्या आएगा? तुम लोग इतना समय क्यों लगा रहे हो? ये है मेंस का लेवल, इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे। तो कैसे करके आओगे तुम लोग? बोलो जागृति, ये तो गलत बात है जी, गलत बात है। तुम क्लास में नहीं आते हो। 6 PM से क्लास शुरू होती है ना, अब 6 बजे से क्लास हो गई है मेरी, 6 बजे से 8 बजे तक 2 घंटे। ठीक देखो मेरी बात सुनो, बस एक ही बात हो रही है, बस डी की, ए बी सी डी एंड ई। ठीक है,
2750 आंसर तो मुझे भी ध्यान नहीं है, हम लोग इसको सोल्व करते हैं, आ जाओ। चलो देखो, हम लोगों को ना हर एक चीज पर कमांड बनानी है, कैसलेट पर, डीआई पर, अर्थमेटिक पर, नंबर सीरीज पर, ये चार जो मैं आप लोगों को लगातार करा रही हूँ, मीन्स के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। सेशन में आप लोग रेगुलरली आओ, मुझे पता है टाइम थोड़ा सा शिफ्ट हो गया है, इस वजह से बहुत सारे स्टूडेंट्स को दिक्कत भी हुई है, बट अभी मैं क्या कर सकती हूँ, 6 बजे से 8 बजे तक 2 घंटे दे रही हूँ, तो तुम लोग 7 बजे ही आ जाया करो। मैं डीआई एंड कैसलेट 7 बजे ही शुरू करती हूँ, ठीक है? 4 to 4:00, अच्छा आ गई जागृति, तो अच्छा आ गई आते ही, कमाल मुझे लग रहा है तुमने कर दिया है। और देखते हैं हम लोग, देखो मुझे सबसे पहले ए में बताओ कितने पैसेंजर है। टोटल पैसेंजर 1260 है ना, टोटल पैसेंजर 1260। अगर मैं आपसे ए में पैसेंजर पूछूं, डिग्री में ये गिवन है ना 120 डिग्री, तो आप बोलोगे मैम 360 डिग्री बराबर है 1260 के, 1 डिग्री बराबर होगा 1260/360, और 120 किसके बराबर होगा, फिनिश करो इसका काम। 12 + 36, 300 इसको काट दो, 3 × 12, 3 × 6, 420। अगर मैं आपसे ए में पूछूं पैसेंजर, तो 420। और इस क्वेश्चन में किसकी बात हो रही है, ध्यान दो, इस क्वेश्चन में बात हो रही है डी की, 72। तो आप क्या करोगे, 1260/360 × 72 कर लोगे, मुझे बताओ। 36 × 72 इसको गुना कर देते हैं, 12 × 24 और 1 = 25, 252। बोलो क्लियर है ये चीज, जल्दी से मुझे बताओ, जल्दी से मुझे बताओ। वेरी गुड, तुम लोगों ने अगर सबके पैसेंजर्स निकाल लिए हैं तो बहुत ही बढ़िया बात है, इससे अच्छी बात तो हो ही नहीं सकती है। अब मेरी बात सुनो, सुनना सब लोग, देखो क्या बोल रहा है, एक एक लाइन पढ़ेंगे और वैसे लिखते जाएंगे। बोल रहा है, इफ द टोटल अमाउंट ऑफ फेयर कलेक्टेड फ्रॉम द पैसेंजर्स इन बस ए इज रुपीज दिस, ठीक है, टोटल अमाउंट ए में जो कलेक्ट हुआ है वो 9300 है, बहुत अच्छी बात है। आगे बोल रहा है, नंबर ऑफ मेल पैसेंजर्स इन बस ए एंड बस डी इज 180 एंड 52 मोर देन द फीमेल पैसेंजर्स रिस्पेक्टिवली। यहां से मेरी बात सुनो, यहां से आपको बताने की कोशिश की है कि ए में मेल और फीमेल कितनी होंगी और डी में मेल और फीमेल कितनी होंगी। पहले आप लोग वो क्यों नहीं कैलकुलेट करते, मेरी बात सुनो, ए और डी की बात कर रहा है, ए में टोटल कितने हैं 420, हम लोग कैलकुलेट करेंगे मेल और फीमेल। ऐसे ही हम लोग डी में कितने हैं टोटल, डी में 252 है, हम लोग मेल और फीमेल कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, ठीक है। आप सब लोग पहले इधर सुनो मेरी बात को, देखो मेल कितने ज्यादा है, अगर मैं ए की बात करूं तो 180 ज्यादा है ना, 420 में से 180 माइनस करो कितना आ जाएगा, ध्यान दो, 4 और यहाँ पर 240 है ना, 240 बचा, तो हाफ ऑफ कर लेते हैं, यहाँ 120 यहाँ 120, तो यहाँ पर मेल कितने आ जाएंगे, मेल आ जाएंगे 300, फीमेल कितने आ जाएंगे 120। और अगर मैं डी की बात करूं तो फिर से आपको मेल और फीमेल बताने की कोशिश की है, बोला जा रहा है जो मेल है वो 52 ज्यादा है, तो 252 में से 52 माइनस करोगे 200 का हाफ ऑफ बांट दो, 100 एंड 100। अगर मैं आपसे मेल बोलूंगी तो 152, फीमेल बोलूंगी तो 100। बोलो बात समझ में आ रही है, जल्दी मुझे बताओ, अरे अब तो बोल दो, क्लियर है, बोलोगे मैम ये तो आ रहा है समझ में, आगे का बता दो, ठीक है जी, ये हमने सोल्व कर लिया, जो लिखने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं थी। अब आ जाओ हम लोग आगे, देखो देखो, अगर मैं एक ही बात कर रही हूँ 420, जिसमें मुझे मेल पता है 300, मुझे फीमेल पता है 120, अगर मैं डी की बात करूं तो 252 टोटल, जिसमें मुझे मेल पता है 152, मुझे फीमेल पता है 100, फिनिश हो गई बात, वेरी गुड। अब देखो अब क्या बोल रहा है, बात सुनना, पहली लाइन में एक बार मैं पूरा क्वेश्चन पढ़ लेती हूँ, व्हाट इज द टोटल अमाउंट ऑफ फेयर कलेक्टेड फ्रॉम द पैसेंजर्स इन बस डी, बस डी में टोटल जो फेयर है वो कितना कलेक्ट हुआ आपको ये बताना है। इफ रेशियो पर मेल पैसेंजर फेयर इन बस ए टू दैट इन बस डी इज 5:4, आप पहले ए का सोल करो, मेरी बात सुनो, आपको ये बताया हुआ है ना, एक मेल पैसेंजर को अगर 5 रुपए भरने पड़ेंगे तो एक फीमेल को 3 रुपए भरने पड़ेंगे, अगर एक मेल को 5x भरने पड़ेंगे, एक फीमेल को 3x भरने पड़ेंगे, सिंपल। तो बोलोगे मैम यहाँ तो 300 मेल है ना, एक को 5x भरने पड़ रहे हैं तो टोटल 1500x हो जाएगा, मैम यहाँ पर एक फीमेल को अगर 3x भरने पड़ रहे हैं तो टोटल 360x हो जाएगा, और आपको टोटल फेयर नहीं दिया हुआ क्या 9300, तो यहाँ से आपको एक मेल का फेयर पता चल जाएगा। तो सब स्टूडेंट मुझे बताओ, 1860x इज इक्वल टू 9300, मुझे एक्स की वैल्यू बताओ कितनी आएगी, जल्दी से सबके सब लोग मेरी हेल्प करो, एक्स की वैल्यू 5 आ रही है, मुझे मेल पैसेंजर का एक का फेयर पता चल गया 25, फीमेल का फेयर पता चल गया 15, बोलो बात समझ में आ रही है,
जल्दी मुझे बताओ, क्या आप लोगों को ये बात क्लियर है कि नहीं? एक मेल पैसेंजर को अगर मैं बस एक ही बात करूं तो भरने पड़ेंगे 25, और एक फीमेल को भरने पड़ेंगे कितने? भरने पड़ेंगे जी, फीमेल को भरने पड़ेंगे कितने? 15। अब देखो लास्ट लाइन में अमाउंट टू फेयर कलेक्टेड बताना है, रेशियो ऑफ पर मेल पैसेंजर फेयर इन बस ए टू दैट इन डी। पर मेल पैसेंजर का जो फेयर है बस ए और डी में, तो आपको ए का तो पता चल गया ना, 25, तो आपको डी का भी पता चल जाएगा। मुझे एक बात बताओ भाई, 5 की वैल्यू 25 है, तो 1 की वैल्यू 5, तो 4 की वैल्यू कितनी? 20। यानी कि बस डी में कितने रुपए भरने पड़ते हैं? 20 रुपए। बोलो ये बात क्लियर है? बस डी में कितने रुपए भरने पड़ेंगे? 20 रुपए। और अब फीमेल का भी फाइंड करना पड़ेगा ना, क्योंकि आपको टोटल अमाउंट बताना है। तो फीमेल का कैसे करोगे? आपको मेल और फीमेल पैसेंजर की रेशियो नहीं पता कितनी थी, 5:3, है ना? तो आप देखो, 5 की वैल्यू 20, 1 की वैल्यू 4, 3 या 12, ये खत्म हो गया काम। अगर मैं बस डी की बात करूं, ध्यान दो, अगर मैं बस डी की बात करूं तो मेल को कितने रुपए भरने हैं? 1 मेल को 20, फीमेल को कितने भरने हैं? 12। अब आप टोटल अमाउंट बिल्कुल कैलकुलेट कर सकते हो। तो कैसे करें कैलकुलेट, आ जाओ मैं आपको बता दूं। 152 को 20 से मल्टीप्लाई करो, 0 2 2 4, 15 2 3, 1200 इसमें ऐड कर दो, फिनिश। 0 4 2, और ये आ रहा है 4204। कितना अच्छा क्वेश्चन है ये, उन्हीं क्वेश्चन में से एक है। जब आप लोग पेपर में ऐसे क्वेश्चंस को देखते हो तो आप आकर के बोलते हो कि मैम कुछ भी समझ में नहीं आया, तो ये क्वेश्चन अगर आप लोग इस तरीके के समझोगे, आप पेपर में अपनी समझ बना पाओगे आपको इन क्वेश्चंस को कैसे करना है। बोलो ये क्लियर आप लोगों को? 4204, कितना अच्छा क्वेश्चन है। मुझे बताओ क्या मैं इस क्वेश्चन को रिपीट करूं? जल्दी से मुझे बता दो एक बार, सब लोग फटाफट से इस क्वेश्चन को रिपीट किया जाए। जल्दी से बताओ, आपको आ गया समझ में? क्लियर है ना? चले इसके अगले क्वेश्चन की तरफ। चलो जी, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अरे तुम बोलते क्यों नहीं, घबरा गए क्या? घबरा गए हो इस क्वेश्चन से? नहीं ना, चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलो इस क्वेश्चन को पढ़ लो, फिर हम लोग इसको सोल्व करेंगे, ठीक है? ध्यान से पढ़ना इसको और गलती नहीं करना इसमें बिल्कुल भी। ट्वेंटी और ट्वेल्व कैसे? अच्छा, क्या नाम है आपका? हाँ, रिपीट कर दूं? नहीं, तुम मोनी प्रकाश जी, तुम इतनी लेट आए और तुम बोल रहे हो रिपीट कर दो, पापी हो तुम तो एक नंबर के यार। मोनी प्रकाश इधर देखो, मेरे सारे बच्चों इधर देखो, तुम्हें सेकंड्स में क्वेश्चन अब मैं करा दूंगी। पहले तो मुझे एक बार पूरे तरीके से समझाना था ना, अभी तुम समझ जाओगे आराम से, अभी मुझे कुछ ज्यादा नहीं बताना। नहीं, मैं 9 PM वाली जो क्लास है वो लिया करूंगी, ये तो वैसे भी ओबीएस से ही हो रही है ना, 6 PM to 8 PM ओबीएस से ही ये हो रही है। इधर देखो मेरी बात सुनना सब लोग, आपको ए के पैसेंजर पता है जी 420, आपको बी के ए के पैसेंजर पता है, आपको डी के पता है 252। मुझे मेल और फीमेल कैलकुलेट करने थे, है ना? तो मेरी बात सुनो, इसमें क्या बोला है आपको, मेल कितने ज्यादा है 180, तो मेल 180 ज्यादा है, 180 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा मुझे बताओ? 180 जब 420 में से 180 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 240, तो बटेगा हाफ ऑफ ना, तो मेल कितने आ जाएंगे? 300, फीमेल 120। ये तो आपको आना चाहिए भाई, ये तो मैं आप लोगों को ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगी, ये आपको आना चाहिए, ठीक है? ठीक है, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। अब हम लोग बात करेंगे फेयर की, जो आपको समझ में नहीं आया, मेरी बात सुनना। देखो टोटल अमाउंट आपको ए का गिवन है 9300, तो एक मेल और एक फीमेल कितने भर रहे हैं? एक मेल कितना भर रहा है, ये नोट में गिवन है ना, एक मेल 5x भर रहा है। अगर एक मेल 5x, एक फीमेल कितना 3x, तो आप बताओ 300 मेल हैं, एक 5x भर रहा है, तो टोटल 1500x नहीं हो जाएगा, और यहाँ पर 360x नहीं हो जाएगा, कुल मिलाकर के 9300। तो मैंने आपसे x की वैल्यू यहाँ पर आपके साथ कैलकुलेट की थी, x की वैल्यू कितनी आ रही थी, यहाँ पर 5 आ रही थी ना, तो मुझे ये पता चल गया कि a में जो एक मेल है उसने 25 रुपए भरे होंगे, और जो एक फीमेल है उसने भरे होंगे 5 या 15 रुपए। इतना समझ में आया आप लोगों को? जल्दी से मुझे बताओ पहले।
अगर मैं यहाँ पर बात करूं एक ही, तो एक मेल को भरने पड़े हैं जी 25 जी, और एक फीमेल को भरने पड़े हैं कितने जी 15 जी। इतनी बात समझ में आई सबको? आगे किशोर जी गुड इवनिंग। अब आगे आगे सुनो, आगे क्या बोल रहा है। देखो बस डी में मेल पैसेंजर के फेयर और मेल पैसेंजर के फेयर बस ए और डी में आपको रेशियो गिवन है 5:4। अगर बस ए में एक मेल पैसेंजर को 5 पे करने पड़ रहे हैं, तो बस डी में 4 मेल पैसेंजर को। क्वेश्चन कह रहा है बस ए में तो मेल पैसेंजर को 25 भरने पड़ रहे हैं, तो 5 की वैल्यू 25, 1 की वैल्यू 5, 4 की वैल्यू 20। इसका मतलब बस डी में मेल को कितने भरने पड़ेंगे? 20 रुपए भरने पड़ेंगे। अब आपको इस रेशियो को यूज करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे ये फाइंड करना पड़ेगा कि एक फीमेल को कितने रुपए पे करने पड़ेंगे। तो आपको मेल और फीमेल की रेशियो गिवन है ना 5:3। तो मेरी बात सुनो आप, 5 की वैल्यू 20 हो गई, तो 1 की वैल्यू 4, 3 की वैल्यू 12। अगर मेल को 20 भरने पड़ रहा है तो फीमेल को 12। सिंपल। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, क्लियर है? अरे बोल दो, अरे बोल दो एकता, क्लियर? चलो जी, अब आप इस क्वेश्चन को मुझे करके दिखा दो। अब तो मैंने तुम लोगों को समझा दिया है बहुत अच्छे तरीके से। मैं अच्छी हूं मोहम्मद जी, आप कैसे हो? चलो बहुत अच्छी बात है। इसी डीआई का सेकेंड क्वेश्चन आपके सामने है, ध्यान से करना इसको और गलती नहीं करना। बस बी में जितने पैसेंजर आ रहे पढ़ो तो क्या बोल रहा है। नंबर ऑफ मेल पैसेंजर्स ट्रेवलिंग इन अनदर बस एफ इज 25% मोर देन टोटल नंबर ऑफ पैसेंजर्स ट्रेवलिंग इन बस बी। बस बी में जितने भी पैसेंजर हैं, बस एफ में उसका 25% ज्यादा है, ठीक है? तो आप मुझे बताओ बस बी में कितने हैं, जल्दी से बताओ मुझे बस बी में कितने हैं जी। बस बी में 48, इसको आप फाइंड कर लो, बस बी में कितने हैं 48। तो क्या लिखोगे? 1260 बाय में 360 इंटू 48, सिंपल है ना। 6 से काट देते हैं, 6 को 36, 6 8 48, 6 से इसको काट देते हैं, 6 2 12 11, 8 1 8, 8 2 16, बस बी में है 168, है ना। उससे 25% ज्यादा है, 25% यानी कि 1/4 ज्यादा है, तो 5/4, तो 168 का 5/4 कर दो, 4 चौक 16, 4 2 8, 5 2 10, ये आ गया 210, करेक्ट है? जल्दी मुझे बताओ, 210। अगर मैं बस एफ की बात करूं तो 210 आ गया टोटल पैसेंजर। आगे क्या बोल रहा है, आगे पढ़ो। आगे बोल रहा है रेशियो ऑफ मेल पैसेंजर टू फीमेल पैसेंजर ट्रेवलिंग इन बस एफ इज 5:4। अब आपको मेल और फीमेल की रेशियो गिवन है 5:4, तो 5 है ना, यही है ना, 210 सही लिखा है ना हम लोगों ने दिव्यांश? 210 तो सही है, लेकिन आगे अगर मैं मेल और फीमेल कैलकुलेट करने की बात करूं, आगे क्या यहाँ पर बोल रहा है, देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ पैसेंजर्स ट्रेवलिंग इन बस एफ। अच्छा टोटल की बात की है, तो मुझे मेल और फीमेल तो निकालने की जरूरत ही नहीं है यार। टोटल की बात की है तो टोटल तो 210 है, एंड दैट ट्रेवलिंग इन बस ए, तो बस ए में तो 420 थे, है ना, यही तो है। बस ए में 420 है टोटल नंबर ऑफ पैसेंजर, 410 अगर आप माइनस करोगे तो ये तो 210 आ रहा है इनका डिफरेंस, 420 थे ना, तो 210 आ रहा है आंसर, 210 आ रहा है, जरूरत ही नहीं है मेल और फीमेल कैलकुलेट करने की। बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आप लोग। एक सेकेंड जी, मेरी बात तो सुनो, जरूरत तो सबकी है, मैं आपको बताती हूँ। नहीं, ऊपर आपने भी वही पढ़ा है, मैंने भी वही पढ़ा है जो हर एक क्वेश्चन में लिखा हुआ होता है, लेकिन यहाँ वो नहीं लिखा है जो हम लोगों ने पढ़ा है। पहली लाइन पढ़ो, नंबर ऑफ मेल पैसेंजर नो टोटल,
टोटल नहीं है जी, टोटल नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है टोटल। क्या बोल रहा है? एफ है, एफ में टोटल एम्प्लॉयज है वो मुझे नहीं पता। बोल रहा है जो मेल है वो 25% ज्यादा है, तो 168 थे ना, 25% ज्यादा यानी कि मेल 210 है इसके। बोलो मेल है 210, और आपको अब यहां पर काम आएगा ना 5:4 की आपको रेशियो की बन है, तो आपको टोटल फाइंड करना है यानी कि नो की वैल्यू। तो आपको 5 की वैल्यू पता है, 5 × 20, 5 × 10 इंटू 9 कर देते हैं, 9 × 2 = 18, 9 × 6 = 36 और 1 × 37 = 378। बोलो बात समझ में आ रही है? अगर मैं एफ के टोटल एम्प्लॉयज की बात करूं 378, 420 से इसका डिफरेंस बताना है। अब आप सब लोग बता सकते हो, 42 इसका आंसर आ जाएगा सी। तो यहाँ पर टोटल नहीं लिखा हुआ, यहाँ पर लिखा हुआ है मेल पैसेंजर्स, ठीक है? तो हम लोग मेल फाइंड करेंगे एफ के। क्लियर है? बोलो हाँ, और बोल दो साथ में, राधे राधे श्याम मिला दे, राधे राधे श्याम मिला दे। 42, वेरी गुड वेरी गुड। अब तो आप लोगों को समझ में आना चाहिए। देखो अब तुम लोगों ने अगर गलती की तो तुम्हें पाप लगेगा, अब अगर तुम लोगों ने गलती करी तो फिर तो गलत बात है भाई। क्लियर है ना? समझ में आ गया? 42 इसका करेक्ट आंसर होगा, 42 बिल्कुल सही है, ठीक है? राधा राधा। चलो आज हम लोगों ने जिस तरीके से कैसलेट और डीआई डिस्कस किया है उसी तरीके से कल का सेशन होगा, उसी तरीके से हम लोग कैसलेट डीआई एंड अर्थमेटिक एंड नंबर सीरीज डिस्कस करते जाएंगे, और इसी तरीके से आप लोगों में इंप्रूवमेंट आती जाएगी। आप लोगों को एक बात मैं बता दूं, आप लोगों को एक बात पता है कि नहीं मुझे ये बताओ पहले। आप लोगों को ये पता है ना, इस संडे को, ध्यान से सुन लो मेरी बात को, इस संडे को सुबह 11 बजे से, इस संडे को सुबह 11 बजे से मैराथन है। पूरे मेंस का कंटेंट एक ही सेशन में हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें मैं आप लोगों को बहुत सारे डीआई करवाऊंगी, प्लस मैं आप लोगों को कैसलेट करवाऊंगी। ध्यान से सुन लो मेरी बात, संडे को सुबह 11 बजे से डीआई और कैसलेट हम लोग करने वाले हैं मेंस लेवल के, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए। टारगेट रहेगा जो जितने भी आप लोगों के एग्जाम है, SBI PO, IBPS PO, RRB PO, IBPS क्लर्क, RRB क्लर्क, जितने भी आप लोगों के मेंस के एग्जाम है, उन सबका टारगेट हम लोग करने वाले हैं संडे को सुबह 11 बजे से मैराथन शुरू डीआई एंड कैसलेट पर। हाँ तो यही तो बोला हुआ है ना, टोटल नंबर ऑफ पैसेंजर ट्रेवलिंग इन बस बी, जितने भी टोटल पैसेंजर बी में ट्रेवल कर रहे हैं, दैट इज 168, जो एफ के मेल पैसेंजर है वो उनसे 25% ज्यादा है ना? तो एफ के तो हमें मेल ही लेना पड़ेगा ना, 25% ज्यादा है यानी कि 210, तो वो एफ के मेल कैलकुलेट होंगे ना, है ना? और बी के हमें टोटल पैसेंजर लेना है तो हमें 168 टोटल लेना पड़ेगा, इसके थोड़ी ना मेल लेने हैं आपको, बी के तो टोटल लेने हैं, ठीक है? तो मिलेंगे हम लोग आज 9 PM वाली क्लास में टाइम एंड डिस्टेंस के कुछ बहुत अच्छे बहुत सुंदर क्वेश्चन के साथ। हम लोग मिलते हैं, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद आप सब लोगों को, और मिलूंगी आप लोगों से 9 PM पर, और संडे को सुबह 11 बजे से डीआई एंड कैसलेट का सेशन हो रहा है शुरू। सब स्टूडेंट अपने दोस्तों को बता देना, ठीक है? बाय बाय।